नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होती है आज के इस वीडियो में हम की लेसन सीखने वाले हैं कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट बुक से जिसके ऑथर है फिलिप फिशर ये बुक समरी आपको हेल्प करने वाला है स्टॉक एनालिसिस मार्केट को समझने में और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आप जल्दी अचीव कर सके हर वीडियो की तरह मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको डिटेल में समरी दूं इसका फायदा आपको ये होगा कि आप कम टाइम में पूरी बुक की नॉलेज कंज्यूम कर पाएंगे लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं वन या वन में वॉरेन बफेट के कुल दो मेन्टोर्स थे जिनकी इन्वेस्टिंग फिलोसफी से वो इतने सक्सेसफुल बने पहले थे बेंजामिन ग्राहम और दूसरे थे इस बुक के ऑथर फिलिप फिलिप फिशर फिशर एक इन्वेस्टर थे अपने टाइम के इनकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 1928 में जब स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से इन्होंने ड्रॉप आउट किया था क्योंकि इनको जॉब मिल गई थी एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट कुछ ही सालों में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई जहाँ पर इन्होंने पूरी जिंदगी काम किया फिलिप फिशर की जो मेजर क्वालिटी थी कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते थे जो बहुत ही सिंपल है और हर व्यक्ति के लिए समझना काफी आसान है तो चलिए इस बुक के पहले सेक्शन को हम टच करते हैं जो है क्लूज फ्रॉम द दास्ट ये पहला चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बुक का फाउंडेशन भी बिल्ड करता है ऑथर कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने हिस्ट्री से सीख ले स्पेशली स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री से पहले के जमाने में दो स्ट्रेटेजीज थी इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए नंबर वन सस्ते दाम में किसी भी स्टॉक को खरीदो और जैसे ही प्राइस बढ़ता था उसे सेल कर दो दूसरा आउटस्टैंडिंग कंपनीज यानी बेहतरीन कंपनीज के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओ ऑथर के अनुसार स्ट्रैटेजी नंबर टू यानी लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना सबसे बेस्ट तरीका है अमीर बनने का स्टॉक मार्केट से पहले कंपनीज मोस्टली फैमिली ओन्ड हुआ करती थी लेकिन आज ये काफी प्रोफेशनल हो गया है एज ए इन्वेस्टर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कंपनीज की मैनेजमेंट पर क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति है वो वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड और कहीं कही न कहीं वो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे पहले के फैमिली ओन से। तो पहले दो चैप्टर में ऑथर ने हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया है और साथ ही साथ ये बताया है कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही कंपनी को चूज करें और खराब कंपनी को आप अवॉइड करें और लंबे समय तक उस बेहतरीन कंपनी को आपको होल्ड करके रखना है तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेसन हम सीखेंगे कौन सी कंपनी की शेयर आपको बाय करनी चाहिए तो लेसन नंबर है है टू 15 to look for in a stock. ये चैप्टर चैप्टर मेरा फेवरेट है इस बुक का क्योंकि इसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे कंपनीज को चूज करें क्योंकि सात हजार से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है इंडिया में तो कैसे कंपनीज को फिल्टर करें जो आने वाले टाइम में हमारे लिए पैसे ग्रो करने वाली है

नंबर वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर टीसीएस एंड इन्फोसिस का है उसके बाद एच सी एल विप्रो टेक महिंद्रा जैसे बड़े कंपनीज हैं। आईटी सेक्टर नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए क्यूँकी ये अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इकोनॉमिक नीड्स इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से तो आईटी सेक्टर के तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा है नंबर टू एफ यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज आज से दस साल बाद भी लोग सोप यूज करेंगे शैम्पू यूज करेंगे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज करेंगे चिप्स खाएंगे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और ये ऐसा सेक्टर है जो हमेशा डिमांड में रहेगा अगर रिसेशन चल रहा है तो शायद लोग कार ना खरीदे या फिर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ना करे लेकिन जो उनकी बेसिक नीड्स है वो हमेशा ही रहने वाली है और पिछले कुछ सालों में ये बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट आप गांव के कोने कोने तक जुड़ चुके हैं और एफ काफी सेफ इन्वेस्टमेंट रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ टॉप कम कंपनीज़ है जैसे हिंदुस्तान यूनिलिवर आई टी सी नेस्टले इंडिया डाबर इंडिया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो पहले पॉइंट में हमने ये सीखा कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ अचीव कर सके अब आते हैं पॉइंट नंबर विल मैनेजमेंट कंटिन्यू टू टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपग्रेड सर्विसेज इंक्रीज सेल्स पोटेंशियल पोटेंशियल आफ्टर ग्रोथ हैज रीच्ड इस पॉइंट में ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आपको उस कंपनी की विजन के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो कैसे फ्यूचर में जब वो कुछ सालों तक ग्रोथ अचीव कर लेंगे उसके बाद वो कैसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेटर करेंगे और ग्रोथ अचीव करेंगे या फिर क्या उस कंपनी में केपेबिलिटीज है कि वो वक्त के साथ साथ अपने ग्रोथ को सस्टेन कर सके या उससे ज्यादा अचीव कर सके क्योंकि दो तीन साल ग्रोथ अचीव करना आसान है लेकिन सालों तक ग्रोथ अचीव करना या उसे सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट है अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री हाउ इफेक्टिव आर कंपनीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स इन रिलेशन टू इट्स साइज यानी एक कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना इन्वेस्ट करती है जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि दुनिया कितनी जल्दी चेंज हो रही है और इस कॉम्पिटेटिव बिजनेस वर्ल्ड में ये बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट डिमांड से मैच करे जिसके लिए उस कंपनी को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना ही पड़ेगा अगर दो कंपनी है जिसमे से पहली कंपनी साल का एक करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है और वो दस लाख रूपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है वही पे दूसरी कंपनी अगर साल का पांच करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वो फिफ्टीन लाख आर एंड डी पे खर्च कर रही है लेकिन परसेंटेज वाइज पहली कंपनी ज्यादा खर्च कर रही है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही लेकिन आप उन इन्वेस्टमेंट में क्या आउटपुट अचीव करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन नो डाउट आर एंड डी पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है वरना आप आउटडेटेड हो जाएंगे मार्केट में आईसीआईसीआई सी सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया था अपने आरएनडी पर जो कि ऑलमोस्ट 3100 करोड़ रुपीस जो उनके रेवेन्यू का 7.10 परसेंट है उसी रिपोर्ट में जहां पर 409 कंपनीज के स्पेंडिंग्स को देखा गया था जिसमें ऑटोमोबाइल कंपनी सबसे ज्यादा खर्च कर रही थी अपने आर एन डी पर जो ऑलमोस्ट ग्यारह हजार करोड़ रुपए है नंबर टू पर है फार्मा सेक्टर जिसमे दस हजार छह सौ करोड़ रुपए कंपनीज खर्च कर रही है वही आई टी सेक्टर में दो हजार तीन सौ करोड़ खर्च हुए थी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया में अराउंड रहा है 2014 से जो रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है बाकी इकोनॉमी से और चाइना से तो बहुत ही कम है क्योंकि वो दो परसेंट से ज्यादा स्पेंड करती है पर तो आपको ये देखना है कि आपकी सिलेक्टेड कंपनीज अपने आर एन डी पर कितना खर्च कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को और इम्प्रूव करनी है और स्पेशली पैसिव इनकम बिल्ड करना है Then आपको मैं एक बुक रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम है द लाइफ स्टाइल इन्वेस्टर जिसके ऑथर हैं जस्टिन डोनाल्ड ये बुक आपको हेल्प करेगा बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए और कैसे आप एक सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज किए इस बुक की ऑडियो बुक आप कुकू ऐप पर सुन सकते हैं जो इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक समरी प्लेटफॉर्म है जिनके पास 4000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है इनके मेंबर्स के लिए कई सारे रीजनल लैंग्वेज में भी आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं तो इंग्लिश अब एक बैरियर नहीं है ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है जिससे कि आप टाइम सेव कर सको जैसे कि आप जिम करते वक्त या वॉक करते वक्त या इवन ट्रैवलिंग करते वक्त कुकू एफ के ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके पूरे साल की मेंबरशिप पर अगर आप कोड यूज करते हैं BP50 यानी बुक पिलो 50 तो थ्री नाइनटी नाइन इनका एनुअल मेंबरशिप कॉस्ट है वो सिर्फ आपको वन नाइनटी में मिल जाएगा और ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है तो मेक श्योर करिए कि आप इस ऑफर का जल्दी फायदा उठाइए अगर आपको अपने पैसे सेव करने हैं तो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जरूर डाउनलोड करिए एफ़एम ऐप और अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए इनके ऑडियो कॉन्टेंट से पॉइंट नंबर फोर डज एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चौथा पॉइंट है कि क्या उस कंपनी का सेल्स एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी भी कंपनी को अगर सर्वाइव करना है तो सेल्स बहुत जरूरी है क्योंकि तभी पैसे आते हैं कंपनी के पास लेकिन एक और पॉइंट जो जरूरी है वो है रिपीट सेल्स यानी बस आपके प्रोडक्ट को लोग एक बार यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके प्रोडक्ट को वो बार बार यूज कर रहे हैं तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे बहुत बार इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी की फाइनेंस देखकर डिसाइड करते हैं की कंपनी की सेल्स डिपार्टमेंट कैसा है लेकिन जरूरी ये है की आप डिटेल में आपको पता होनी चाहिए असली रियालिटी क्या है जिसके लिए ऑथर रिकमेंड करते हैं एक यूनिक मेथड जिसे वो कहते हैं शटल बट मेथड यानी आपको रियल लोगों से पूछना है कि वो कंपनी कैसा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैमिली में कोई किसी आई कंपनी में काम करता है देन ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए की आप उस कंपनी का वर्क कल्चर जान सकते हैं और उनके मैनेजर्स कैसे है और वो अपने एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट देते हैं आप ये जान सकते हैं या उस कंपनी के वेंडर्स कौन है क्यों कस्टमर्स उन्हें चूज करते हैं उनके कंपटीशन से वो बेटर या खराब कैसे हैं आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे जब आप रियल लोगों से बात करेंगे वो आपको इतनी सारी इनसाइड साइड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है कंपनी के बारे में जो सिर्फ बैलेंस शीट पढ़कर आप नहीं समझ सकते एक और पॉइंट है कंपनी की एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नो no मैटर आपकी प्रोडक्ट कितनी वर्ल्ड क्लास है लेकिन अगर उसे आप ढंग से एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं है देन कंपनी हमेशा लॉस में ही रहेगी अब आते हैं पॉइंट नंबर फाइव दी कंपनी हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ये बहुत ही क्लियर कट पॉइंट है कि अगर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं अचीव कर पा रही है देन जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस कंपनी में इसीलिए उस कंपनी को आपको चूज करना है जिनका प्रॉफिट अच्छा है और ग्रोथ भी मिल रही है साल दर साल पॉइंट नंबर सिक्स है वॉट इज द कंपनी डूइंग टू मेंटेन और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन यानी कंपनी क्या कर रही है अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने में या उसे बेहतर करने के लिए कभी कभी थोड़ी बहुत से आप किसी भी कंपनी की नेट इनकम हो जाती है लेकिन ये काफी नहीं है वही कंपनी सक्सेसफुल है जो सालों से प्रॉफिटेबल रही है हालांकि अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन भी हुआ है लेकिन पास रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो वो कंपनी अच्छी हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अगर उनके पास प्रॉपर प्लानिंग है अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव प्रूफ करने के लिए पॉइंट नंबर सेवन है डस डी कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशंस कंपनी के एम्प्लॉज एंड मैनेजर्स और जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है और ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि कंपनी का प्रोडक्शन सीईओ नहीं करते बल्कि उस कंपनी के लेबर्स करते हैं इसीलिए उनका अच्छा फील करना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंपनी अपने इम्प्लॉयिज को अच्छा ट्रीट नहीं करती है देन इंप्लॉयज ज्यादा दिन तक उस कंपनी के साथ नहीं रहेंगे जिस कारण भी वो कंपनी लॉन्ग रन में प्रॉब्लम

इनफ़ टैलेंटेड इम्प्लॉज हैं जो क्राइसिस में कंपनी को संभाल सके देखिए जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो एवरेज लीडर एंड एग्जीक्यूटिव भी कंपनी चला सकते हैं लेकिन जब मार्केट में दिक्कत है या कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तब वो मैनेजमेंट कैसे अपने स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज को क्रिएट करती है जो उस कंपनी को ग्रोथ दिला सके और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके पॉइंट नंबर है हाउ गुड आर कंपनीज कॉस्ट एनालिसिस एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स कंपनी अपने कॉस्ट को कैसे कम या कंट्रोल में रखती है जैसे कि हमें पता ही है कि इन्फ्लेशन की वजह से चीजें एक्सपेंसिव हो रही है इसमें वही कंपनी अच्छा करेगी जिनका कॉस्ट एनालिसिस एंड अकाउंट कंट्रोल अच्छा है अपने कॉम्पिटिटर से पॉइंट नंबर 11 है डस द कंपनी हैव सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच मेक देम बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स इसमें आपको ये देखना है कि क्या कंपनी के पास कुछ यूनिक एस्पेक्ट है जो उन्हें अपने कंपटीशन से बेटर बनाता है फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी एक मोनोपोली है यानी इनका एक एडवांटेज है ये वैसे तो इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं तो आपको ये देखना है कि लास्ट दो तीन सालों में किन बैंकों ने अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की है और कैसे वो स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करते हैं चाहे वो अपनी मोबाइल ऐप को अपग्रेड करना हो या फुल्ली डिजिटल होना हो उनका कस्टमर रिव्यू कैसा है ये भी आपको एज अ इन्वेस्टर देखना चाहिए पॉइंट नंबर ट्वेल्व है उटलुक इन रिगार्ड टू बहुत बार कंपनी है जिससे कि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करती है लेकिन जैसे ही उनका फंड्स खत्म होने लगता है तब वो तुरंत ही अपने प्राइस बढ़ा देती है लेकिन एक कंपनी को शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म तक प्रोफिटेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए और ऐसे कंपनी को ही आपको चूज भी करना चाहिए पॉइंट नंबर थर्टीन है कंपनी really की अवेलेबल कैश कितनी है ये चेक करने के लिए कहती है क्योंकि कंपनी के पास अगर मेजोरिटी पैसे कैश इक्विटी और डेट से आ रही है देन ये प्रॉब्लमेटिक है ऑथर के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है की कंपनी के पास खुद का कैश रिजर्व होना चाहिए और भला उनको इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत क्यों है ये भी आपको मेक श्योर sure करना चाहिए कि वो पैसे क्यों रेज कर रहे हैं क्या वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं या उनके पीछे कुछ और रीजंस हैं? ये आपको जानना चाहिए एज अ इन्वेस्टर पॉइंट पॉइंट नंबर है कंपनी टॉक्स फ्रीली टू इन्वेस्टर्स ऑथर कहते हैं कि क्या मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर से तभी बात करती है जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वो अवॉइड करते हैं मीडिया इंटरक्शन तो आपको मेक श्योर sure करना है की उस कंपनी के जो टॉप लीडर्स है वो कितने फ्रीक्वेंटली अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हैं और मीडिया अपीर देते हैं

तो ये थी लिस्ट 15 पॉइंट्स जो आपको चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो है व्हाट टू बाय 15 पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग सीखने के बाद अब हम सीखने वाले हैं किन स्टॉक को खरीदना है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो मार्केट एनालिसिस कर सके और हमेशा नए अपडेट्स को फॉलो कर सके और फाइनली डिसाइड कर सके कि, कि किन स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्ट करना है और आम व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम रिटर्न्स अचीव करना ऑथर कहते हैं कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है तो इसके लिए आपको दो रूट्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहले वाले रूट में आप सेफली आराम से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं लेकिन दूसरा रूट वो है जिसमें रिस्क ज्यादा है और आपकी जान भी जा सकती है लेकिन आप सिर्फ 20 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं तो आप कौन सा रूट चूज करेंगे डेफिनेटली आप पहला वाला रूट चूज करेंगे बिकॉज आपको सेफ रहना है तो अकॉर्डिंग टू ऑथर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ ऑथर कहते हैं की आपको बस थोड़ा एफ लगाना कोई गारंटी नहीं है कि वो, लिए पैसे कमा कर देगा ही। तो वो कौन सा कंपनी है जिसे आप चूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑथर कहते हैं की कि जब किसी कंपनी में टेम्प्रोरी इशू आ रहा है लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी है और साल दर साल ग्रो कर रही है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन आप तभी इन्वेस्ट करिए जब उस कंपनी ने अपने सारे कॉस्ट को पे कर दिया है और कभी भी आपको मार्केट टाइमिंग पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आपको ओवरऑल मार्केट सिचुएशन क्या है इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि आपको अपने सिलेक्टेड कंपनीज को स्टडी करते रहना चाहिए क्योंकि आज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है एक साल पहले कोविड का प्रॉब्लम था और आने वाले समय में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही तो मार्केट में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन सब टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करता है और इंडिविजुअल कंपनीज पर फोकस करता है और इन्वेस्ट भी करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि फाइनल टॉपिक है इस वीडियो का वो है वेन टू सेल वेन टू बाई से हम अब आते हैं वेन टू सेल जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑथर कहते हैं कि तीन कारणों की वजह से ही आपको अपने स्टॉक्स को बेचना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने के लिए अगर ये तीन कारण है तो आपको अपने स्टॉक्स को बेच देना चाहिए नंबर वन जब आपका इन्वेस्टेड स्टॉक्स उतना इफेक्टिव नहीं है और आपने गलती की है जो की ठीक है लेकिन कई बार लोग अपने ईगो की वजह से उन स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उनको ये प्रूफ करना है कि वो सही थे दूसरा उन स्टॉक्स से आपका गोल्स पूरा नहीं हो रहा है आपने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट आप 12 टू 15 परसेंट का रिटर्न अचीव करेंगे लेकिन आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं दो तीन सालों से तब भी आप उसे सेल कर सकते हैं तीसरा आपको बेटर ऑल्टरनेटिव कंपनी मिल गई है अगर ऑल्टरनेटिव स्टॉक या कंपनी आपके इन्वेस्टेड कंपनी से बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तब आपको अपने करेंट स्टॉक्स को सेल करना चाहिए ऑल्टरनेटिव स्टॉक की इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज जो ऑथर बार बार रिपीट करते हैं इस बुक में की कभी भी मार्केट सिचुएशन के बेसिस पर आपको ना तो बाय करना है और ना ही सेल करना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म तक बेहतरीन कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करना सबसे बेस्ट तरीका है अमीर बनने का स्टॉक मार्केट से तो उसे आपको फॉलो भी करना है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी डिटेल समरी पसंद आई होगी और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और नेक्स्ट मैं कौन सा बुक आपके लिए समराइज करूं ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आती है जो स्टॉक मार्केट पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं तो आप बुक पिलो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि हर संडे आपको अपडेट मिलता रहे तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ तब तक के लिए कीप रीडिंग कीप ग्रोइंग